हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो। तो ये वीडियो में हम रूबिक्स क्यूब के अलग अलग ब्लॉक्स के नाम जानेंगे, इसको समझेंगे कि कैसे कैसे टाइप के यहाँ पे पीसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ पे जो सेंटर पे होता है उसे हम सेंटर पीस बोलते हैं। आप देखेंगे कि वो एक ही कलर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कॉर्नर वाले को देखेंगे तो ये कॉर्नर को तीन अलग अलग कलर्स होते हैं, इसे बोलते हैं कॉर्नर पीस। यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे येलो है और यहाँ पे रेड है। तो यहाँ पे जो होगा या जिसके पास तीन कलर होंगे वो सबको हम कॉर्नर पीस बोलेंगे। तो ये अगर फेस देखेंगे तो ये और ये चारों कॉर्नर पीस है, इसे बोलते हैं एच पीस। एच के दो कलर होते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे ग्रीन और ऑरेंज, यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन और वाइट, यहाँ पे देखेंगे तो रेड और येलो, और यहाँ पे देखेंगे तो येलो और ऑरेंज। तो ये फेस में रेड कलर का सेंटर है, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जो चार पीस है ये एच पीसेस है, जिनको दो कलर होते हैं, सेंटर को एक ही कलर होता है, और जो कॉर्नर्स में होते हैं उनको तीन कलर होता है, इसे हम बोलते हैं कॉर्नर पीस। तो आपको ये सब टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है, तभी जाके आपको क्यूब को सॉल्व करने का समझ में आएगा। क्योंकि आगे की वीडियोस में मैं ऐसे बताऊंगा कि ये एच पीस को यहाँ पे लाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि एच पीस क्या है, या फिर ये सेंटर पे आपको होल्ड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर पीस क्या है। सो आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू।